क्या नाम है आपका? काव्य दास। अच्छा काव्य दास जी, आप ये बताइए कि कल जो यहाँ सत्संग हुआ रतनगढ़ में, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, हमें जबरदस्त लगा। अच्छा, उसमें आपके परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज ने क्या बताया आपको? संत रामपाल जी महाराज ने पुराणों में बताया, और अच्छा, पुराणों में जो भी संत रामपाल जी महाराज ने बताया वो आप गीता में से पढ़िए, एकदम सही जवाब लगेगा आपको। अच्छा, आपको अचंभा होगा। अच्छा अच्छा, ये कैसे संत है, अच्छा, सही बताते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। अच्छा, तो वो ज्ञान है वो सभी शास्त्रों से देते हैं? हाँ। अच्छा, तो कल यहाँ पर कितने लोग आए थे सत्संग में आपके यहाँ? सत्संग में हजारों की संख्या में लोग आए थे। अच्छा, तो सभी मतलब सभी ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को स्वीकार किया उन लोगों ने? हाँ। अच्छा, और क्या प्रोग्राम था सत्संग के साथ? सत्संग के साथ 3 शादियाँ हुई। अच्छा, नाद गीत बोले गए। अच्छा, नाद गाने हुए। अच्छा, बसंत रामपाल जी महाराज की वाणियाँ हुई। अच्छा, और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई दहेज दान नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सादगी से शादी हुई। बिल्कुल सादगी से शादी हुई। अच्छा, और इसमें मतलब आपके स्थानीय सेवादार कितने थे लोग सेवा करने वाले यहाँ पर? सेवा करने वाले बहुत थे। अच्छा, कितने दिन पहले प्रचार शुरू हो गया था यहाँ पर? लगभग इसी महीने से 1 तारीख से हो गया था, पेपलेट की मोहर लगाने भी उसी तारीख से हो गए, और भगत भी पेपलेट की सेवा में जाने लग गए। अच्छा, तो गाड़ियों से प्रचार होता था, कैसे होता था? गाड़ियों से प्रचार होता था, गांव गांव में लोग भगत जाकर पेपलेट देख, घर घर में पेपलेट देख के जाते हैं। अच्छा, और वहाँ मतलब अनाउंसमेंट भी होता होगा गाड़ियों से? हाँ। अच्छा, और नए कितने लोगों ने उपदेश दिया यहाँ पर? नए बहुत लोग ने नाम उपदेश लिया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, सत साहेब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपका संत रामपाल जी महाराज का, और यहाँ आप कह रहे हो कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन आए, और बहुत से लोगों ने यहाँ न्यू उपदेश भी दिया है, 3 शादियां भी हुई है बहुत ही सादगी से, जो कि एक सभ्य समाज की नींव रखी जा रही है ये कह सकते हम। बोलो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।